फौलादी इरादा रखने वाली अरुणिमा सिन्हा ने आखिरकार 7 साल लंबी चली अपनी हक की लड़ाई रेलवे से जीत ली है। मशहूर खिलाड़ी और पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को रेलवे 7,20,000 रुपए का मुआवजा देगी। ये जानकारी अरुणिमा के वकील जानकी शरण पांडे ने दी। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच ने रेलवे को मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही मुआवजा राशि पर 1 जनवरी 2017 से 6% ब्याज भी देय होगा। गौरतलब है कि वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में धनेती स्टेशन के पास डकैतों ने उन्हें बुरी तरह से मारपीट कर ट्रेन से नीचे ढकेल दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थी। एम्स में इलाज के दौरान उनका बायां पैर काटना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते उन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने में कामयाबी पाई। NMF न्यूज की रिपोर्ट।